दिन भर मैं हूँ शेखजुई, रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राहुल गांधी के बयान का हंगामा अब लोकसभा के बाद विधानसभा में भी होता नजर आ रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी के विधायक जितेंद्र गोठवाल सदन के बाहर सफेद रंग की शर्ट पहने नजर आए, जिस पर लिखा था, हिंदू हिंसक नहीं होते, राहुल गांधी माफी मांगो। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार सुबह 11 बजे हंगामे के साथ शुरू हुआ और करीब 45 मिनट बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान विपक्षी दल के नेताओं ने सदन में जमकर नारेबाजी की और स्पीकर से प्लास्टिक मुक्त राजस्थान की जगह संविधान बचाने की शपथ दिलाने की मांग की। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण की मांग करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि लोकसभा में भी राहुल गांधी का माइक बंद किया गया था, राजस्थान विधानसभा में भी इसी तरह का बर्ताव विपक्ष के साथ किया जा रहा है। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण नहीं कराने को लेकर हंगामा किया। इस दौरान जब नेता प्रतिपक्ष ने जवाब देने की कोशिश की तो उनका माइक बंद था। इसी बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्पीकर पर माइक बंद करवाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर संसद में दिए गए बयान के बाद पूरे देश में जमकर बवाल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहने के मामले में झालावाड़ जिले के सर्व हिंदू समाज के बैनर तले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। बाद में सभी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपकर राहुल गांधी के संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की। जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश अनुसार पार्टी की मीटिंग की। लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा बैठक अध्यक्ष उमेर सिंह तनवर ने की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और संगठन के पदों पर काबिज लोगों को पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी जिम्मेदारी नैतिकता से निभानी चाहिए, वरना पार्टी के हित में ईमानदारी से पद त्याग कर काम करने वालों को मौका देना चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद इस मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका शुक्रवार को सुनवाई करने पर हाईकोर्ट सहमत हो गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी किसी एक ही सरकार का लगातार फिर से वापसी एक असामान्य घटना है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार के आने वाले 5 साल गरीबों के खिलाफ लड़ाई के लिए निर्णायक है। विपक्ष के राज्यसभा से वॉकआउट पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम इसलिए वॉकआउट कर गए क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई। झूठ बोलना और सच्चाई से परे बातें कहना उनकी आदत है। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हेमंत सोरेन की एंट्री बतौर मुख्यमंत्री हो सकती है। यह अटकलें चंपई सरकार के एक कार्यक्रम रद्द होने के बाद तेज हो गई। बुधवार को झारखंड के रांची में आयोजित एक समारोह में 1500 से अधिक नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने थे और यहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को पहुंचना था, लेकिन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मच गई। भगदड़ में करीब 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल भोले बाबा के सत्संग का समापन कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 200 से अधिक लोग घायल हो गए। घायल लोगों को एटा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।